हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, चलो हम लोग देखते हैं एक नए वीडियो में नए नेम रिएक्शन को अकॉर्डिंग टू विद इट्स ट्रिक, उसकी ट्रिक के साथ में। तो चलो आज हम लोग कौन सा नेम रिएक्शन समझने वाले हैं या फिर याद करने वाले हैं, वो है रॉबिन्सन एन्यूलेशन। इस रिएक्शन को जरा इस पर हम लोग एक बार देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसकी ट्रिक के साथ में कंप्लीट इस रिएक्शन को याद कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम बस हमको एक बार रिवीजन करना रह जाए, हमको ये पूरी की पूरी नेम रिएक्शन याद रहनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो आधी बातें तो इसके नेम से ही क्लियर हो जा रही है। क्या ये एन्यूलेशन वर्ड क्या होता है? एन्यूलेशन का मतलब पहले तो ये जान लो जल्दी से, एन्यूलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। कहीं भी आ जाए वर्ड एन्यूलेशन तो उसका मतलब समझ जाओ कि इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं रिंग का फॉर्मेशन होने वाला है प्रोडक्ट साइड में। तो देखो क्या होता है इस रिएक्शन में, जरा जल्दी से आप बात करते हैं। अगर दिस द टर्म एन्यूलेशन स्टैंड फॉर बिल्डिंग अ रिंग इन दिस रिएक्शन द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रॉम ये हमारा फॉर्म होगा, किससे फॉर्म होगा? मिथाइल विनाइल कीटोन एंड एल्डिहाइड या कीटोन में से किसी एक के साथ में हम इन दोनों की जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको ये बनने वाला होता है। एक्चुअली दिस रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शन, माइकल एडिशन एंड एल्डोल कंडेंसेशन। माइकल एडिशन रिएक्शन क्या होता है? 1,4 एडिशन या फिर कॉन्जुगेट एडिशन भी बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराते हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स पे, तो वहां पे 1,4 एडिशन देखने को मिलता है। कोई बात नहीं, वो रिएक्शन शायद अभी नहीं हो तो हम लोग उसको भी देख लेंगे, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, इजी सी रिएक्शन है, ठीक है ना। और एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन तो आपने पढ़ रखा है, तो उन दोनों का ये क्या है, एक साथ आप बोल सकते हो दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन है। देखो क्या होता है इस रिएक्शन में, जल्दी से फिर से समझो। इस रिएक्शन में आप लेते हो मिथाइल विनाइल कीटोन को, ये आपका एक कीटोन ग्रुप है। इसके साथ देखो ये आपने ले रखा है एक मिथाइल ग्रुप, और ये है क्या, इसको आप क्या बोलते हो, विनाइल ग्रुप। क्या बोलते हो? CH2। ये क्या होता है एक्चुअली, एक विनाइल ग्रुप बोलते हो आप इसको। तो ये क्या हो गया, एक मिथाइल ग्रुप हो गया, ये आपका विनाइल ग्रुप है। इन दो, ये जो है मिथाइल विनाइल कीटोन और आप किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में रिएक्शन कराते हो। बट यहां पे एक चीज याद रखो, साइक्लिक कीटोन देखो आपने ले रखी है, तो यहां पे क्या रखा है, मिथाइल विनाइल कीटोन और एक कीटोन को ले लिया, इसके साथ आपने क्या किया है, किसी भी एल्कोक्साइड, आप बोलो एल्कोक्साइड, सॉरी आप यहाँ किसी एल्कली मीडियम में एल्कली के साथ जब आप इसके रिएक्शन कराते हो, फॉर एग्जांपल KOH यहाँ पे हो गया, या फिर NaOH भी रख सकते हो, इसके साथ आप रिएक्शन कराते हो एल्कोहलिक मीडियम में, एल्कोहलिक KOH ले लिया या फिर एल्कोहलिक NaOH ले लिया, इसके साथ जब आप रिएक्शन कराते हो तो देखो जरा क्या होता है। यहाँ जरा बताओ देखो क्या हुआ है, यहाँ आप देखो जरा, ये आपका कीटोन था और इसके अल्फा बीटा पोजिशन पे, जरा देखो ये मेरा कीटोन है और इसके अल्फा बीटा पोजीशन पर क्या हुआ है, देखो अनसैचुरेशन और अनसैचुरेटेड साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, कहां पे, अल्फा बीटा पोजीशंस पर। तो ये आपका क्या हुआ, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। क्या करना है आपको जरा जल्दी से बताओ, क्या लिया सबसे पहले आपने, आपने लिया मिथाइल विनाइल कीटोन, उसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ में, किसी कीटोन के साथ में, तो और किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक एल्कली के साथ में। प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको जरा बताओ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन मिलने वाला है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब जल्दी से देखो जरा इसका ट्रिक क्या है, ताकि आप इसको कभी भूलो ही नहीं। देखो क्या लिखा गया यहां पर, रॉबिन के तीन सन मिथी विनी और कीटू तीनों अल्फा और बीटा के अंदर साइकिल चलाना सीखे। करेक्ट है, समझ में आई बात, जरा इसको डीकोड करो। रॉबिन से हो गया हमारा रिएक्शन का नेम रॉबिन्सन एनुलेशन। क्या होता है यहां पे, मिथी विनी और कीटू से हो गया, मतलब मिथाइल विनाइल कीटोन और साथ में एक और कीटोन लेना है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, मिथाइल विनाइल कीटोन और साथ में एक और कीटोन। होता क्या है इसके बाद, अल्फा और बीटा के अंदर साइकिल चलाना सीखे, मींस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ये यहां पे पूरी की पूरी रिएक्शन है आपके इस पूरे एक लाइन में आपको दी गई है। क्या होता है जल्दी से देख लो फिर से, मिथाइल विनाइल कीटोन, कीटोन के साथ में जब आप रिएक्शन कराते हो किसी एल्कली, आप एल्कोहलिक एल्कली के प्रेजेंस में, तो क्या मिलता है आपको, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। यही रिएक्शन आपकी होती है रॉबिन्सन एन्यूलेशन। कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ एक पेज में आपको ये पूरी की पूरी रिएक्शन अपने कॉपी में
नोट डाउन कर लेनी है और एक दो बार इसका रिवीजन जरूर करना है। बहुत ही आसान सी है ये भी रिएक्शन, आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। और आपके अगर मैं बोलूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भी आपको ये नेम रिएक्शन कराई जा रही हैं, क्योंकि ये नेम रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कार्बोनिल कंपाउंड्स या फिर कार्बोनिल केमिस्ट्री के तो आपको कोई भी नेम रिएक्शन छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि आप में क्लियरली मेंशन है आपके सिलेबस में कि कार्बोनिल्स के सारे नेम रिएक्शन वहाँ पे दिए गए हैं। तो इनको एक बार ज़रूर देखो, रिविजन्स करो, अभी से प्रिपरेशन रखो अपने नेम रिएक्शन की, ताकि लास्ट टाइम में हम ज़्यादा पैनिक ना फील करें कि हमने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। ये चीज़ें बाद में नहीं होनी चाहिए, अभी से आपको ये सारी चीज़ें एकदम वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेम रिएक्शन एक नई वीडियो में नए नेम रिएक्शन के साथ। थैंक यू ऑल।